अस्सलामुअलैकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू अस्मास कुकिंग फीवर। आज हम पकाने वाले हैं बहुत ही फेमस रेसिपी, यानी कि बेंगलोर की फेमस कतली। यहाँ पर मैंने लिया है एक कट्टा खट्टी भाजी का और मैंने लिया है एक कट्टा चाकुत की भाजी का, जिसे हम तोड़कर इस कतली में डालेंगे। आज मैंने यहाँ पर एक कप दाल रखा है और मैंने यहाँ पर 8 से 10 कली लहसुन की डाली है और मैंने यहाँ पर एक बड़ा साइज का कटा हुआ प्याज डाला है। अब हम डालेंगे इसमें 6 से 7 हरी मिर्च। अगर आप हरी मिर्च नहीं डालना चाहते हो तो आप इसमें चिली पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर 3 बड़े साइज के टमाटर का इस्तेमाल किया है। मैंने इसमें 3 टमाटर काट कर इस तरह से डाल लिए हैं। अब मैं इसको खट्टी भाजी को अच्छी तरह से तोड़कर इसमें डाल लूँगी और मैं अब यहाँ पर चाकुत की भाजी को भी अच्छी तरह से धो लूँगी। 2 से 3 पानी में इसको धोने के बाद हम इसको अच्छी तरह से काट कर इसमें कुकर में ऐड कर देंगे। अब हम मैंने यहाँ पर 6 से 7 गिलास पानी डाला है और मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून जीरा मेथी का मिक्सचर यहाँ पर डाला है। मैंने यहाँ पर, आप चाहो तो इसमें जीरा भी डाल सकते हो। कुकर में डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए पका लेंगे और इसको कुकर में विसल के लिए छोड़ देंगे। कुकर में सीटी आने के बाद हम इसको अच्छी तरह से इस तरह से दाल को घोट लेंगे और भाजी को भी अच्छी तरह से बारीक होने तक इसको अच्छी तरह से घोट लें। घोटने के बाद इसको हम यहाँ पर इसको औटा लेंगे। मैंने यहाँ पर कतली का पानी ही ऐड किया हुआ है और मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें ऐड कीजिएगा और इसको अच्छी तरह से खोलते हुए अब इसको अच्छी तरह से पका लें। इसे पकाने के बाद अब हम इसका तड़का बनाएंगे। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स डाले हैं। अब मैं इसमें 3 सूखी मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। अब इसको अच्छी तरह से बनाने के बाद मैं यहाँ पर एक कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह से हम भगा लेंगे। मैंने यहाँ पर छोटी प्याज को काट कर डाला है। अब मैं यहाँ पर इसमें करी पत्ता ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से तड़का लगा लूँगी। तड़का लगाने के बाद अब हम इसमें कतली का मिक्सचर ऐड करेंगे। माशाल्लाह ये बनकर तैयार हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर कतली का जो सालन है इसमें तड़के में ऐड कर लिया है। अब हम इसको ढक देंगे। अब इसको ढकने के बाद आप इसको सर्विंग बाउल में सर्व कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।